नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनुपाकाश वर्मा। दोस्तों, दशकों पहले फिल्मी दुनिया पर आधारित एक मैगजीन छपा करती थी, नाम था शमा। मैगजीन उर्दू में थी और इसी मैगजीन में एक बार मोहम्मद रफी का एक इंटरव्यू छपा था। आज हम आपको वही इंटरव्यू सुनाने वाले हैं। मोहम्मद रफी का ये इंटरव्यू है। मोहम्मद रफी इसमें जो बातें बता रहे हैं, हूबहू उन्हीं बातों को मेरी जुबानी सुनिए। मेरा घराना मजहब परस्त था, गाने बजाने को अच्छा नहीं समझा जाता था। मेरे वालिद हाजी अली मोहम्मद साहब निहायत दीनी इंसान थे। उनका ज्यादा वक्त यादे इलाही में गुजरता था। मैंने 7 साल की उम्र से ही गुनगुनाना शुरू कर दिया था। जाहिर है ये सब मैं वाली साहब से छिप छिप कर किया करता था। दरअसल मुझे गुनगुनाने या फिर दूसरे अल्फाज में गायकी के शौक की तरबियत एक फकीर से मिली थी। खेलन दे दिन चारनी माए, खेलन दे दिन चार, ये गीत गा गा कर वो लोगों को दावते हक दिया करता था। जो कुछ वह गुनगुनाता था, मैं भी उसी के पीछे पीछे गुनगुनाता हुआ गांव से दूर निकल जाता था। रफ्ता रफ्ता मेरी आवाज गांव के लोगों को भाने लगी। अब वो चोरी चोरी मुझसे गाना भी सुना करते थे। एक दिन मेरा लाहौर जाने का इत्तेफाक हुआ। वहां कोई प्रोग्राम था जिसमें उस दौर के मशहूर फनकार मास्टर नजीर और स्वर्णलता भी मौजूद थे। वहां मुझे भी गाने को कहा गया। उस वक्त मेरी उम्र 15 बरस रही होगी। जब मैंने गाना शुरू किया तो नजीर साहब को बहुत पसंद आया। वे उन दिनों लैला मजनू बना रहे थे। उन्होंने उसी वक्त मुझे अपनी फिल्म में गाने को कहा। मैं अपनी तौर पर इस पेशकश को कबूल नहीं कर सकता था। मैंने उन्हें बताया कि अगर मेरे वालिद साहब, जिन्हें हम मियाँ जी कहते हैं, उन्हें अगर आप राजी कर लें तो मैं जरूर गाऊंगा। भला उन जैसे मजहबी इंसान जो गाने बजाने को पसंद ही नहीं करते थे, कैसे राजी हो जाते। चुनांचे उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन मेरे बड़े भाई हाजी मोहम्मद दीन ने न जाने कैसे मियाँ जी को किस तरह समझाया बुझाया कि उन्होंने मुझे लैला मजनू में गाने की इजाजत दे दी। इस फिल्म के जरिए मेरी आवाज पहली बार लोगों तक पहुंची और सराहा गया। इसके बाद फिल्म गांव की गोरी में भी मैंने गीत गाए जो काफी मशहूर हुए। मगर सही मायनों में मेरी कामयाबी का आगाज फिल्म जुगनू के गानों से हुआ। फिर मुझे फिल्मों में काम करने का शौक भी पैदा हुआ। लेकिन सच पूछो तो मैं मुंह पर चूना लगाना यानी कि मेकअप करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इस चूनेबाजी में ही फिल्मों में मेरे काम करने और म्यूजिक देने की पेशकश आती रही। लेकिन मैंने गाने को अपनी मंजिल बना लिया। ये मंजिल ही मेरी जिंदगी है। पहली बार हज करने के बाद मैंने फिल्म लाइन छोड़कर अल्लाह अल्लाह करने का इरादा कर लिया था। लेकिन कुछ लोगों ने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि मेरी मार्केट वैल्यू खत्म हो गई है और अब कोई मुझे पूछता भी नहीं है। जबकि फिल्मकार और म्यूजिक डायरेक्टर बदस्तूर मुझसे गाने का इसरार करते रहे हैं। फिल्म लाइन छोड़ने का एक मकसद यह भी था कि नए गाने वालों को अपने फन को बढ़ाने का मौका मिले। मुझे फिल्मी दुनिया में दोबारा नौशाद साहब का इसरार ही खींच लाया था। उन्होंने कहा था कि मेरी आवाज आवामी अमानत है, मुझे अमानत में खयानत करने का कोई हक नहीं पहुंचता। सो मैंने गाना फिर शुरू कर दिया और अब तो ताज जिंदगी ये रहेगा। आपको ये जानकर हैरत होगी कि मुझे फिल्म देखने का बिल्कुल शौक नहीं है। अमूमन मैं फिल्म के दौरान सिनेमा हॉल में सो जाता हूँ। हाँ, सिर्फ दीवार एक ऐसी फिल्म है जिसे मैंने पूरी दिलचस्पी से देखा है। इस फिल्म की लड़ाई के मंजर मुझे अच्छे लगे। जहाँ तक गानों का सवाल है, आवाम की पसंद मेरी पसंद है। अगर कोई गाना आवाम को पसंद आ जाता है तो मैं समझता हूं कि मेरी मेहनत का सिला मुझे मिल गया। वैसे फिल्म दुलारी का गाया गीत मुझे बहुत पसंद है।
सुहानी रात ढल चुकी, न जाने तुम कब आओगे, जहां की रुत बदल चुकी, न जाने तुम कब आओगे। कुछ हसीन यादें भी जिंदगी के साथ जुड़ जाती हैं। मेरी जिंदगी में भी यादों का खजाना है। एक बार मैं फिल्म कश्मीर की कली का गाना रिकॉर्ड करने में मसरूफ था। शम्मी कपूर इस फिल्म के हीरो थे। वो अचानक रिकॉर्डिंग रूम में आकर बड़े मासूमियत भरे लहजे में बोले, रफी जी ये गाना मैं पर्दे पर उछल कूद करके करना चाहता हूं, आप गायकी के अंदाज में उछल कूद का लहजा भर दीजिए। ये कहते हुए उन्होंने मेरे सामने ही उछल कूद कर बच्चों की तरह जिद की। वो बहुत ही प्रलुत्फ मंजर था। उस गाने के ये बोल थे, सुभान अल्लाह हाय, हंसी चेहरा हाय, ये मस्ताना अदा खुदा महफूज रखे हर बला से हर बला से। किसी भी फनकार के लिए गाने की मुनासिब से अपना मूड बदलना बहुत ही दुश्वार अमल होता है। वैसे गाने के बोल से ही पता चल जाता है कि गाना किस मूड का है। फिर डायरेक्टर भी हमें पूरा सीन समझा देता है, जिससे गाने में आसानी होती है। कुछ गानों में फनकार की अपनी भी दिलचस्पी होती है। फिर उस गीत का एक एक लफ्ज दिल की गहराइयों से छू कर निकलता है, जैसे फिल्म नीलकमल का ये गीत, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। जब मैं ये रिकॉर्डिंग करवा रहा था तो चश्मे तसव्वुर में अपनी बेटी की शादी जो 2 दिन बाद हो रही थी, उसका सारा मंजर देख रहा था। मैं उन्हीं लम्हों के जज्बात की रौ में बह गया कि कैसे मेरी बेटी डोली में बैठकर मुझसे जुदा हो रही है और आंसू मेरी आंखों से बहने लगे। उसी कैफियत में मैंने ये गाना रिकॉर्ड कर दिया। मैंने इस गाने में रोने की एक्टिंग नहीं की थी, हकीकतन आंसू मेरे दिल की पुकार बन आवाज के साए में ढल आए थे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो।